89.6 FM सीकर से मैं हूं आरजे संदीप और हम आए हैं आज पुलिस लाइन में, जिसकी जो रौनक है वह आप देख ही रहे हैं। और यह जो बच्चियां हैं वह कुछ पेंटिंग कर रही है। अच्छा, यह जो पेंटिंग कर रही है इसी के बारे में हम जानेंगे हमारे सभापति जीवन खान साहब के साथ। तो नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, ये जो पेंटिंग वगैरह हो रही है हमारे सीकर में, इसका कारण हम जानना चाहेंगे। देखिए, इसका कारण है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी के अंदर हमारे सरकार के मुख्यमंत्री जी का जो महानिरीक्षक के तौर पर शहरों में भी रोजगार देने का इस इंदिरा शहरी रोजगार गारंटी लॉन्च की, उसके तहत सीकर शहर नगर परिषद का जो बजट अभी हमने किया था उसमें येलो सिटी का नाम हमने सीकर में दिया है। उसी के ऊपर जो भी मुख्य सड़कें हैं उन पर येलो कलर करवाना, और उसके बाद के अंदर हमने एक सोचा कि भी इनके ऊपर पेंटिंग और ऐसी हो, जो इसमें हमने एक स्कूल की प्रतियोगिता रखी है स्कूलों की, जिसमें आज 10-15 स्कूलों ने पार्टिसिपेट किया है। पार्टिसिपेट स्कूलों का करने का मकसद है कि स्कूलों के अंदर जो बच्चों के अंदर प्रतिभाएं हैं, उनके मन में जो संकल्प है, उनके मन के अंदर जो पर्यावरण के प्रति है, नशा मुक्ति के प्रति है, स्वच्छता के प्रति है, जो जो भावनाएं उनके मन में, उस भावनाओं को कुरेद करके आज वो इस थीम के तहत मुख्य दीवारों जो हमारी सरकारी सिविल लाइन की है उन पर ये आकर्षित करना और शहर को सुंदर और स्वस्थ बनाना, और सीकर शहर की सुंदरता के लिए मैं सबसे पहले सभी स्कूल के जो बच्चे हैं उनको इस बात की बधाई देना चाहूँगा कि आपने सीकर के इस स्वच्छता के अंदर और पर्यावरण के अंदर जो आपने पार्टिसिपेट किया, इसके लिए बधाई के पात्र हैं। और साथ साथ में मीडिया बंधुओं को भी इस बात की बधाई देना चाहूँगी कि वो लोग जिस प्रकार से सीकर नगर परिषद का और सीकर शहर का सहयोग कर रहे हैं। नमस्कार। आज जो हमारे इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना है उसके अंतर्गत हमारे सीकर के जो सभी स्कूलों के बच्चियां जो हैं वो अपने वॉल्स पे पेंटिंग्स बना रही हैं और उसके माध्यम से संदेश देना चाहते हैं हमारे सीकर की जनता को। जैसे जो आप देखना चाहेंगे, सबसे पहले जो बच्ची है वो सफाई का, उसके बाद डोमेस्टिक वायलेंस का, थर्ड डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव का, अलग अलग तरह की थीम्स पे मैसेज दे रही हैं। और आप सभी के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा, हमें जो ये मैसेजेस हैं उनको सच में बस दिखाने की एक पेंटिंग ना रह के उसको अपने समाज में उसको अडॉप्ट भी करना है। और इसके अलावा जो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना है माननीय मुख्यमंत्री महोदय की, उसमें अपने पूरे सीकर शहर की कायाकल्प चेंज हो रही है। जो हमारी सीकर नगरी हमारे नगर परिषद की थीम पे येलो सिटी बनने जा रही है, आप सभी के माध्यम से आमजन को मैं अपील देना करना चाहूँगा कि वो भी अपने जो घरों की पुताई है येलो कलर से करें, ताकि जो हमारी सीकर सिटी येलो सिटी के नाम से टूरिज्म के नक्शे पे ऊपर की तरफ आए। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 2023 चल रहा है अभी तो। आप अपना विजन दो, आप दो 2030 का विजन। नहीं, इससे देख के मोटिवेशन आता है अपने अंदर, मतलब कि मतलब एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था ना 2015 से, मतलब वो तो खत्म हो गए थे कि अगर मैं कोई दिक्कत नहीं। मैं तो ये कहूँगा आप अपना 2050 में क्या होना चाहिए, अपना विजन बनाओ। शिक्षा होनी चाहिए एक तो, हाँ। सरकारी स्कूल है ना, आप हर गाँव गाँव में खुला दो, मतलब है ना, इंग्लिश मीडियम भी नहीं है। इंग्लिश मीडियम सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंग्लिश मीडियम की आती है, इंग्लिश मीडियम के हमें टीचर्स ही नहीं मिलते हैं, और है ना कॉलेज के टीचर्स भी नहीं मिलते गाँव में। अच्छा, हाँ, कॉलेज में नहीं है इसलिए हमें इतनी दूर आना पड़ता है, और घर वाले भेजते नहीं है तो मतलब पढ़ाई छुटवा देते हैं। और है ना थैंक यू आर्ट्स के लिए। नहीं नहीं, अच्छा है आपका जो है ना इतना अच्छा बना रहे हैं, हमें ना प्रदर्शन करने का मौका मिला। थैंक यू। नहीं नहीं, अपना जो इनिशियल है ना वो रहना चाहिए। हाँ। लास्ट में छोटा सा क्या नाम है आपका? सूफिया। आपका नाम? अल्बिना। सूफिया अल्बिना। और आपका? SAA बना के कुछ इस तरह का वस्तु बनाना जो भी आपकी मर्जी हो, आपकी ये याद रहेगा कि हम भी आपके द्वारा बनाए गए। तो जैसा कि हमारे सभापति जी ने हमें बताया कि इंदिरा गांधी शहरी योजना के तहत यह कार्यक्रम हो रहा है, तो हमारे आयुक्त जी जो हैं हमारे श्री शशिकांत जी शर्मा, वह हमें बताएंगे कि वह हम सीकर वासियों से क्या अपील करना चाह रहे हैं। तो मैं सीकर वासियों से अपील करना चाहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय की जो ये महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें आमजन इच्छुक व्यक्ति सहभागिता बढ़ा रहे हैं, और यहाँ तक देखिए हमारे बच्चे किस तरीके से इसमें सहभागिता से शहर के सौंदर्यीकरण के लिए अपना महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहे हैं। मैं लोगों जो आमजन है उनसे भी निवेदन करूँगा, व्यापारियों से, कि वो भी इसको येलो बिल्डिंग, जो येलो सिटी के रूप में हमारे बोर्ड द्वारा प्रस्ताव लिया गया है, तो
और इसी ये जो कलर है इस कलर से ही पूरे शहर को आप पेंटिंग कराएं, और हमारे बच्चे हैं पेंटर्स हैं वो तैयार हैं, और ये पेंटिंग हम नगर परिषद द्वारा इस योजना के अंतर्गत करा देंगे, पूरा शहर एक स्वरूप में देखे येलो सिटी के रूप में, और जहाँ भी हम हमारा चाहे एंट्रेंस हो मुख्य बाजार हो चाहे सरकारी बिल्डिंग है वो एक ऐसा स्वरूप लगे कि एक सौंदर्यगत स्वरूप में दिखेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जो इस योजना का आगाज़ किया गया है वो बिल्कुल अपने सफलता रूप में दिखेगी और शहर भी एक परिष्कृत और सौंदर्यगत रूप में निखरे रूप में सबको परिलक्षित होगा, ऐसी मैं कामना करता हूँ। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सीकर को येलो सिटी बनाने की पूरी तैयारी की जा रही है और ये बच्चियां भी बहुत जोर शोर से इस प्रयास में अपना प्रयास कर रही है, तो मैं उन बच्चियों से ही जानना चाहूंगा कि उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। सर बहुत अच्छा लग रहा है, राजस्थान सरकार द्वारा जो स्कीम चलाई जा रही है ना वो एक हमारे शहर को बहुत सुंदर और स्वच्छ बना रही है। येलो सिटी सीकर का नाम रखा गया है और बच्चे भी हैं खूब मदद कर रहे हैं उस चीज़ में, बहुत आगे बढ़ रहे हैं, तो बच्चों के लिए भी बहुत बढ़िया चीज़ है। आप यह जो पेंटिंग कर रहे हैं उस ये क्या सीख देने वाली है? ये इन्वायरमेंट से संबंधित है सर, कि इन्वायरमेंट को हम कैसे स्वच्छ रख सकते हैं, तो जैसे इन्वायरमेंट स्वच्छ रहेगा हमारा जो स्टेट है हमारी जो सिटी है वो कैसे स्वच्छ रहेगी वो सब रहेगा जी। इसके अलावा आप जो पेंटिंग कर रहे हैं इनको क्या सिखा रहे हैं, क्या बता रहे हैं? सर इससे ये बता रहे हैं कि यहाँ पर जो यहाँ पे येलो सिटी में जो हो रहा है, सीकर अब येलो सिटी के नाम से जाना जाता है, तो ये जो हो रहा है वो मतलब एक मोटिवेशन की तरह है इनके लिए कि एनवायरनमेंट हो चाहे कोई भी थीम हो इनकी, वो चीज़ें बहुत अच्छे से मतलब एक मैसेज ही जाएगा सर। आपको अच्छा लग रहा है येलो सिटी के नाम से हमारा सीकर? यस सर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इसमें पूरा सहयोग कर रहे हैं अपने, बहुत बहुत धन्यवाद। 89.6 FM सीकर, शहर की धड़कन।